हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो है। जैसा कि यार हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे बीच अब लेजेंडरी डाउन टू अर्थ सिंगर सिद्धू मूसेवाला वो नहीं रहे, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। असली वजह ये थी, गरीब घर का शुभदीप सिंह ऐसे बना सिद्धू मूसेवाला। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं और उनको मतलब एक याद करने का एक बहाना मिल जाता है इन वीडियोस के जरिए, है ना? तो चलो ये वीडियो देखते हैं। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उनतीस मई 2022 को पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली गई। हर किसी को इस घटना ने दहला दिया। ये वारदात तब हुई जब सरकार ने उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड्स को हटा दिया था। कहिए किसी की साजिश का इशारा तो नहीं? आखिर क्या कारण था इस वारदात का और शुभदीप सिंह कैसे बने सिद्धू मूसेवाला? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिद्धू मूसेवाला पर रविवार को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें मूसेवाला और उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर 30 राउंड फायरिंग की गई थी। सिद्धू मूसेवाला के वारदात AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ था। पंजाब के गैंग वॉर में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि इस वारदात में 8-10 लोग शामिल थे। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने लिया है, जो अभी कनाडा में है। पता चला है कि बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमला करने वाले अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। अब पता चला है कि उसकी नंबर प्लेट नकली थी। वहीं पुलिस को भी कुछ सुराग मिले हैं जिनके आधार पर खोजबीन जारी है। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए SIT यानी कि स्पेशल टीम गठित की है। इस कांड ने पंजाब में बनी नई आप सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस वारदात को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। विरोधी पार्टी के लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां के CM और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के गलत फैसले की वजह से सिद्धू की जान चली गई। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत ही कम समय में जो कामयाबी हासिल की थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। चलिए पहले जान लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला आखिर थे कौन, जिनकी असमय मौत से पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में है। आजकल यूथ के फेवरेट सिंगर और रैपर्स में से एक सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने वाले सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेना अधिकारी हैं, वहीं उनकी माँ चरण कौर गाँव की सरपंच है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मूसेवाला ने 6 क्लास से ही हिप हॉप गाना सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा था। मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इस दौरान उन्होंने DAV कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लिया। सिद्धू मूसेवाला तुपक शकूर को अपना आदर्श मानते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने गायक के तौर पर नहीं बल्कि एक लिरिक्स राइटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके लिखे मशहूर गाने का नाम लाइसेंस है, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद बतौर गायक सिद्धू मूसेवाला पहली बार G-Wagon के जरिए सबके सामने पेश हुए थे। साल 2018 में उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। उन्हें पहचान 2017 में आए गाने सो हाई से मिली थी। इस गाने के लिए उन्हें ब्रिटिश एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। इसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। सिद्धू मूसेवाला के इस सो हाई सॉन्ग पर 470 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बाद उन्होंने कई फेमस हिट गाने दिए। जट,
टोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स जैसे म्यूजिक वीडियो जारी किए उन्होंने। साल 2018 में उन्होंने फिल्म डाकुओं द मुंडा फिल्म के लिए डॉलर गाना बनाया। पंजाबी फिल्मों में उनका पहला गाना था। सिद्धू मूसेवाला की गायकी के अनोखे अंदाज को देश दुनिया के तमाम लोगों ने सराहा था। उनके सुपरहिट गाने AK-47 UK एकल चार्ट में शामिल हुआ था। दूसरी ओर साल 2020 में द गार्जियन की ओर से 50 लेटेस्ट कलाकारों की सूची में सिद्धू मूसेवाला को भी शामिल किया गया था। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में बंदूकों को हवा में लहराते हुए और बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखाते थे, जिससे पता लगता था कि उन्हें इन सब का असल जिंदगी में शौक था। हालांकि इन सब को लेकर कई बार सिद्धू मूसेवाला को आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। सिद्धू पर आरोप लगाया जाता था कि वो अपने गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने जट जियो ने मोड़ दी बंदूक वारगी गाना रिलीज किया था। इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। सिद्धू का विवादों से हमेशा गहरा नाता रहा है। मूसेवाला के करण औजिला के साथ लड़ाई थी। दोनों ने गानों, सोशल मीडिया हैंडल और परफॉर्मेंस के जरिए अक्सर ही एक दूसरे पर हमले किए। 4 मई 2020 को मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में वो 5 पुलिस अधिकारियों के साथ AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग लेते दिखाई थी और दूसरी में निजी पिस्तौल लिए हुए थे। घटना के सामने आने के बाद मूसेवाला की मदद करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। मूसेवाला ने एक गीत में सिख इतिहास में सुनहरी अक्षरों में अंकित सत्कार योग्य माई भागों के बारे में कुछ अपशब्द बोले थे। इस गीत से सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा मूसेवाला को पेश होने का आदेश जारी हुआ। मूसेवाला ने श्री अकाल तख्त पर पेश होकर माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, अपनी छोटी सी उम्र में मूसेवाला ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली थी, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके थे। सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस का दामन थामा था। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। अभी हुए पंजाब चुनाव में मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, जिसमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। उनकी इस तरह बेदर्दी से हत्या कर दी जाएगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी मौत की जिम्मेदारी लेते हुए गोल्डी बराड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई। मैं, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, यह हमारा काम है। इसके साथ ही उसने सिद्धू की वारदात का कारण भी स्पष्ट किया। उसने लिखा कि मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत मीदू खेरा और गुरुलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था, दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया और इसीलिए उन्होंने खुद कदम उठाते हुए सिद्धू की हत्या करके अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक नज़र में यह घटना पारिवारिक रंजिश का मामला ही लग रहा है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये कि शुक्रवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई थी, लेकिन उनके पास कुछ सिक्योरिटी थी। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर निजी सुरक्षा कर्मी और कमांडो भी थे, लेकिन वो हत्या वाले दिन यानी कि 29 मई को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले और निशाना बन गए। जिस वक्त मूसेवाला पर हमला हुआ उस वक्त अपने 2 साथियों के साथ वो गाड़ी में थे। तब ये काले रंग की गाड़ी में सवार 2 लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई और उनके साथ ही उनकी माँ का सपना अधूरा रह गया। उनकी माँ जल्द ही उनके सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि सिद्धू को अपनी मौत का एहसास हो गया था। उन्होंने अपने आखिरी गाने में मौत का जिक्र किया। ये गाना 15 मई को रिलीज हुआ था और इस गाने में सिद्धू ने कहा था कि भरी जवानी में मेरा जनाजा उठेगा। दोस्तों, देश में जिस तरह खुलेआम हत्याओं की संख्या बढ़ रही है उससे आज हर इंसान डरा हुआ है। जब इतनी सुरक्षा में रहने वाले नेता और अभिनेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में कानून व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर चल रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग भी इस वारदात की हकीकत जान सकें। धन्यवाद। निम्नतम स्तर पे तो नहीं, लेकिन उससे नीचे ज़रूर चल रही है। उससे भी नीचे कोई कैटेगरी होगी, उस पर ज़रूर चल रही है। अगर ऐसा ना होता, अगर कानून व्यवस्था अच्छे उसमें अच्छे पोजीशन पर होती तो इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग नहीं होते, है ना? लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, किस लिए? चल रहे हैं सालों साल,
फुर्सत ही नहीं मिलती भाई, कुर्सी पे पैर फैला के बैठने के जब फुर्सत मिले तब ना कुछ वो ढूंढेंगे सबूत अबूत। मतलब कानून व्यवस्था तो ऐसा लचर गई है जैसे मतलब कोई 95 साल का या 100 साल का बूढ़ा इंसान हो, है ना, ऐसा हो गया है कानून का आजकल हुलिया। और यहाँ पर यार देखो, पारिवारिक रंजिश का मामला है या जो भी है, लेकिन भाई किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। और इतनी बेधड़क तरीके से, मतलब बिना डरे बिना किसी उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि हाँ मैं और मेरे साथ दो जन और वो इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, हमने किया है ये, और ये बोल के वो अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए हैं। पुलिस से इतना नहीं हो रहा कि हाँ किसी को भी अरेस्ट कर सके। भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, क्या ही हो रहा है। मतलब पता है क्या, जो लास्ट राइड गाना था, मैंने वो गाना सुना यार, आंखों से आंसू आ गए कल वो गाना। वो गाना ना, मतलब एक एक चीज़, एक एक लिरिक्स उसका, एक एक शब्द, वो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मतलब सिद्धू मूसेवाला खुद अपना जनाजा बयां कर रहे हों कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। और भरी जवानी में जो इसका वो लाइन ली गई है, भरी जवानी में मेरा जनाजा उठेगा, यार कहते हैं कि जो भी इंसान अंतिम समय में होता है उसको अपनी मौत का अंदाज़ा ज़रूर होता है। और मुझे समझ में नहीं आया यार, इतनी सारी सिक्योरिटी होते हुए वो बिना बुलेट प्रूफ कार के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, बिना गार्ड्स के वो गए क्यों आखिर बाहर, जबकि उन्हें पता था कि इतने सारे दुश्मन घूम रहे हैं बाहर और लोग ताक में ही थे, वो लोग ताक में ही थे कब ये अकेले निकलें और कब हम इनकी जान ले लें। सच में यार यकीन नहीं होता कि मतलब इतना बढ़िया सिंगर, इतना अच्छा सिंगर, ठीक है, डाउन टू अर्थ, प्योर हार्टेड, ऐसा बंदा चला गया हमारे बीच से। मतलब वो होता है ना, जिन्हें हमें देखने की, जिन्हें हमें सुनने की आदत होती है, सुशांत सिंह राजपूत हों, चाहे ऋषि कपूर हों, चाहे इमरान खान हों, ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को जिन्हें हमें, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हाँ ये हमारे ज़िंदगी से चले गए हैं। मतलब कभी बात होने लगती है इनके बारे में तो ऐसा फील होता है कि हाँ यार अब नेक्स्ट मूवी इनकी ये आ जाएगी, नेक्स्ट गाना इनका ये आ जाएगा, तो इस टाइप का कुछ फील होता है। लेकिन हम सबको ये जो रियलिटी होती है ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि अब ये हमारे बीच में नहीं है, अब ये नहीं वापस आएंगे। सच में अब बिल्कुल सुन के ना कानों पे विश्वास नहीं हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला अब नहीं रहे। ओ माय गॉड। सो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही हमें उनके, सिद्धू मूसेवाला के बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने को मिला, उनके फादर के बारे में, उनके मदर के बारे में। माँ का सपना उनका बेचारी का अधूरा रह गया, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है यार। आई होप आप लोग को मेरा रिएक्शन इससे रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, शायद मेरे ही जैसे फीलिंग्स कुछ आप लोगों के दिल में भी होंगे, है ना, तो वो फीलिंग्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।